हेलो गाइस, मैं हूं हितेश एंड वेलकम टू माय न्यू YouTube चैनल। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं बैरेश्वर, और बैरेश्वर सावला से 5 टू 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और बैरेश्वर से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाला हूं, और बैरेश्वर के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। और ये सोम माही जाकर तीन नदियों को मिलवाती है, और यहाँ पर गर्मी में ये सारी बहुत सारी पब्लिक ये एंजॉय कर रही है। सो गाइज, यहाँ पर बैरेश्वर को मेन अट्रैक्टिव प्लेस बनाता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन जनवरी और फरवरी महीने में मेला भरता है, और यहाँ पर तीन मुख्य मंदिर है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। पंडित जी, इधर ऐसा क्या है कि बैरेश्वर में जो भी यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आती है और बैरेश्वर को फेमस बनाती है, ऐसा क्या है? इधर ऐसा है, ये तो इधर तीनों देव के मंदिर है, त्रिदेव और तीन नदियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सोम माही जाकम, तीन नदियों का संगम है और तीनों देव का मंदिर है ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये एक ऐसा मात्रा है जो हिंदुस्तान में हमने इस स्वयं को शिवलिंग है, पंचमुखी शिवलिंग है, पाँच भाग है, इसके पांच भाग हुए गाय की खरे लगने से इसके पांच मुख, इसलिए पंचमुखी शिवलिंग है। ये प्रचंड देश का, और ये इसका मालूम पड़ा कि ये जो गाय चारने वाले आते हैं अपने इधर, वो इधर आए थे तो उनका गाय का दूध का अभिषेक होता था ऑटोमेटिक ये शिवलिंग के ऊपर। तो जो गाय वाला था उसको लगा कि यार मेरे गाय का दूध निकलता बोले, तो उसने पीछा किया गाय का, मेरे गाय का दूध निकाल देता है कोई, फिर उसने आके गाय का पीछा करके चुपके से देखा, तो उसने देखा कि गाय का अभिषेक कर रही है अपने आप दूध का, कोई निकाल नहीं रहा गाय का, अपने आप अभिषेक हो रहा है, ये ऊपर आके अपने आप गाय का अभिषेक, दूध का अभिषेक हो रहा है। फिर उस गाय उसको देख गई, वो खड़ा हुआ झाड़ियों में से उसको देख गई, गाय भागने लगी तो उसका पीछे का पैर ऐसा गया, शिवलिंग के ऊपर पड़ गिर गया। शिवलिंग पंचमुखी शिवलिंग ये नाम से जाना जाता है। तो ये पंडित जी, ये कितने साल पुराना है ये मंदिर? अभी हमारे से अंदाज से हमको जितना मालूम पड़ा तो 500 साल तो हो गए, एक्चुअली देखा जाए तो 500 साल से भी ऊपर है, लेकिन नॉर्मली 500 साल तो हो गए जैसा जो इधर इसकी सेवा हो रही है, मंदिर का पूजन हो रहा है 500 साल। तो जैसा कि गाइस आपको पंडित जी ने बताया कि आप सुन ही लिया, और आगे और आपको मैं बताता हूँ ये मंदिर के बारे में और पीछे कैसे। छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। Yeah!
सो गाइस, मुझे बैणेश्वर से जुड़ा जितना भी नॉलेज था मैंने आपको बता दिया, और सपोर्ट करना मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।